हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद। हज 2022 के लिए हद उम्र 65 साल मुकर्रर, दरख्वास्त दाखिल करने व दीगर गाइडलाइन से मुतालिक मशीर महकमे अखिलियती बहबूद ए के खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकन असम्बली चंद्रान बुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी के निर्मल तखहीर केस का फैसला हुआ मुलतवी। नामपली अदालत ने 12 के बजाय 13 अप्रैल को फैसला सुनाने का किया ऐलान। रियासत तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात पर दी जा रही रियायत खत्म होने में 3 दिन बाकी। ट्रैफिक चालानात पर रियायत 15 अप्रैल की शाम को हो जाएगी खत्म। मध्य प्रदेश के जिले खरगोन में शहरपसंदों की जानिब से पथराव के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। अखिलियती तबके के 50 मकानात पर चलाया बुलडोजर, 84 अफराद को किया गिरफ्तार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ को दी मुबारकबाद। तरक्याती चैलेंजेस पर तवज्जो देने और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए अमन के क्याम पर दिया जोर। कर्नाटक पुलिस ने जिले धारवाड़ में मुस्लिम फल फरोश की ठेलाबंदी को तोड़फोड़ करने के इल्जाम में 4 अफराद को किया गिरफ्तार। पुलिस ने फसादात और अमन को खराब करने के इल्जाम में 8 अफराद के खिलाफ भी FIR की दर्ज। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को किया आगाह। रूस से तेल, तवानाई व दीगर अशिया की दरामदात को हिंदुस्तान के लिए गैर मुफीद बताया।